हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से गेंदे का पौधा खरीदकर अपने घर पर लाते हैं तो उसमें धीरे धीरे फूल भी आना बंद हो जाता है और पत्ते भी पीले होकर झड़ने लग जाते हैं और सूखने भी लग जाते हैं और गेंदा ज़्यादा समय तक फूल भी नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी जाकर हम गेंदे में ज़्यादा समय तक फ्लावर ले सकते हैं। और गेंदे में क्या फर्टिलाइज़र डालें जिससे गेंदा बड़े बड़े साइज़ का और भर भर कर फूल दे, वो भी मैं आज आपसे बताने वाली हूँ और ये सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं गेंदे में क्या फर्टिलाइज़र डालें और कितने कितने दिन में डालें। एक गेंदे के पौधे से हम बहुत सारे गेंदे के पौधे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से गेंदे का ऐसा पौधा लेकर आए तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये मिट्टी तैयार कर लेनी चाहिए। देखिए, ये मिट्टी एकदम आपको काली मिट्टी लेनी है और इसमें सारी चीज़ें मिला देनी है। भूसा, गोबर, खाद बराबर मात्रा में मिलाना है और मिलाने के बाद ये देखिए, ये आपको ऐसा गमला ले लेना है, 8 से 10 इंची का गमला लेना है। और लेने के बाद सबसे पहले आपको इसमें मिट्टी डाल देना है और पूरा मिट्टी नहीं भरना है, आधा गमला तक ही मिट्टी भरना है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है, इसके जड़ में थोड़ा सा नीचे ऐसे डाल देना है। ये हमने डाल दिया और डालने के बाद ये जो गेंदे का पौधा है इसको आपको झिल्ली से ऐसे फाड़ देना है। अब फाड़ने के बाद जो नीचे का हिस्सा है इसको थोड़ा थोड़ा आपको निकाल देना है और निकालने के बाद ऐसे लगा देना है और ऊपर का भी ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको फोड़ देना है और जो मिट्टी है ऊपर से ऐसे भर देना है। ये हमने भर दिया और भरने के बाद दोस्तों इसमें हम फर्टिलाइजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपके घर में गेंदे का प्लांट लगा हुआ है उसको दोस्तों हमेशा गुड़ाई करते ही रहना चाहिए और ठंडी के दिनों में गेंदे के पौधे में बहुत ही कम पानी डालना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो दोस्तों गेंदा गलने लगता है और सूखने भी लगता है। और जो भी गेंदे का मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए कई बार गेंदा ऐसा हो जाता है, ये देखिए ये नर्सरी में भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर का ऐसे जितना भी ये सूखा सूखा है इसको आपको कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए, सबका ही काट देना है। अगर नहीं काटोगे तो ये जो कली है ये छोटा गेंदा खिलेगा एकदम और अच्छा भी नहीं खिलेगा, इसलिए जितना भी छोटा कली आया है उसको काट देना है और जितना भी ये सूखा डंगा रहता है दोस्तों इसको भी काट के निकाल देना है। ये हमने पूरा अच्छी तरह कटिंग कर लिया है, आपको भी इसी तरह करना है जो आपका पुराना गेंदा है। ये पूरी तरह से जितने पीले पत्ते हैं काट देने हैं और नीचे के डंगाल पूरी तरह से काट देना है। आप काट के इसका अच्छे से कोड़ाई कर देना है जो भी आपका गमले में लगा होगा। इस तरह करेंगे तो इसमें जो नया ब्रांच आएगा तो उसका फूल का साइज भी बड़ा बड़ा आएगा और पौधा भी आपका एकदम घना खिलेगा। तो ये तो हमने काट कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये जो है हमारा, देखिए ये पौधा हमने लगाया है उसमें आपको फर्टिलाइजर भी डालना है। उससे पहले ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों ये आपको ऊपर से चारों तरफ ऐसे डाल देना है, एक बार नीचे से भी डालना है और एक बार ऊपर से भी डालना है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और जो पौधा रहता है उसको हरा भरा रखता है और जड़ को तेज़ी से बढ़ने में भी मदद करता है। उसके बाद दोस्तों एक फर्टिलाइज़र और डालना है। ये देखिए, ये हमने लिया है नीम का मिक्सचर। नीम मिक्सचर ले लेंगे और उसमें थोड़ा ग्रूमर मिला देंगे और हमेशा जड़ से थोड़ा दूरी पर ही ऐसे डाल देंगे और ढक देंगे और 2 से 3 घंटे बाद ही दोस्तों आपको पानी डालना है। और याद रहे, ये खाद ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा आधा चम्मच के हिसाब से ही डालते हैं। अगर बड़ा पौधा है तो 1 चम्मच के हिसाब से डालना है और डालने के बाद आपको दोस्तों इसमें अच्छे से
पानी डाल देना है। और जब दोस्तों आपका गेंदा बड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा तो आपको गेंदे के ऊपर से कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, ताकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये जल्दी ही गलने लगता है और ख़राब होने लगता है। पानी हमेशा आपको नीचे जड़ के पास ही डालना है, ताकि आपका गेंदा अच्छे से बढ़े और अच्छे से खिले। ये तो हो गया हमारा गेंदे का फर्टिलाइजर, गेंदा को ज़्यादा खिलाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए, ये जैसे हमने नर्सरी में बहुत सारे गेंदे लगा रखे हैं, ये देखिए नर्सरी में भी गेंदे लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे गेंदे ये देखिए ये सूख भी जाते हैं, ये सूख जाते हैं गेंदे, तो इनको आपको ऐसे काट लेना है। और ये सूखा हुआ भी काट लेना है, ये सूखा हुआ भी काट लेना है, और ये सूखा हुआ भी काट लेना है, और इसको दोस्तों अच्छे से आपको सुखा लेना है। ये देखिए ये अच्छे से सुखा लेंगे ना तो अच्छे से इसके बीज तैयार हो जाएंगे। इसको कम से कम एक दो दिन आपको अच्छे से सुखा लेना है। ये एकदम सूखा हुआ गेंदे का बीजा है। उसके बाद ये देखिए ये ऐसा पोट ले लेना है आपको, ये देखिए ये ऐसा बीजा डालने वाला पोट आता है, इसको आपको ले लेना है। और ये जो गेंदे के बीज है दोस्तों, इसको ऐसे डाल देना है, और ऊपर से दोस्तों हल्का हल्का मिट्टी डालना है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है। हल्का हल्का डालोगे तो ये गेंदे के बीज जल्दी ही उग जाएंगे और एक भी आपका गेंदे का बीजा खराब नहीं होगा। इसी तरह हम लोग नर्सरी में उगाते हैं। ये हमने डाल दिया, और डालने के बाद दोस्तों इसमें पानी आपको रोज नहीं डालना है, आपको दो दिन के बीच में आपको पानी डालना है, दो दिन के बीच में आपको पानी डालना रहता है। ज़्यादा पानी डालोगे तो बीजा आपका गल जाएगा। जैसे ये हमने गेंदे का बीजा डाल दिया दोस्तों, तो इसको हमेशा आपको जहाँ हल्का धूप छाँव आता है वहीं पर रखना है, और पूरा छाँव में नहीं रखना है, नहीं तो ये गलने लग जाएगा। इस तरह आप गेंदे का बीजा डाल सकते हो, और आप कोकोपीट में भी गेंदे का बीजा डालकर आसानी से उगा सकते हो। और इसी तरह आप गेंदे में दोस्तों समय समय पर खाद डालिए, समय समय पर कटिंग करेंगे तो यही गेंदा आपका हमेशा फूल देता रहेगा। इसी तरह हम लोग दोस्तों ये देखिए नर्सरी में बहुत सारे गेंदे हैं, इसी तरह हम लोग कटिंग कर लेते हैं, खाद दवाई डाल देते हैं, तो ये गेंदे फूल देते ही रहते हैं। गेंदे का पौधा दोस्तों जब भी लगाएं तो आप हमेशा धूप में ही लगाएं, छाँव वाली जगह में गेंदे को कभी भी ना लगाएं। और कोई सा भी गेंदा दोस्तों 12 महीने फूल नहीं देता है। ठंडी के समय अलग गेंदा आता है और गर्मी के समय का अलग गेंदा रहता है। कोई सा भी गेंदा लगातार हमें फूल नहीं देता है। सीजन के हिसाब से हमें गेंदे को लगाना चाहिए और उसमें फूल खिलाना चाहिए। अभी जैसे विंटर का सीजन जाएगा तो गर्मी वाला गेंदा हम लोग लगाएंगे और वो गर्मी में अच्छे से फूल भी देगा। और जो विंटर वाला गेंदा रहता है उसका हम अब बीजा बना लेंगे, बीजा बना कर रख लेंगे और उससे फिर से हम नया पौधा तैयार कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह सूखे हुए गेंदे से बीजा तैयार कीजिए और गर्मी के लिए नया पौधा बना लीजिए। उस तरह आपका जो गेंदे का पौधा है वो 12 महीने आपको फूल देता रहेगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग दोस्तों मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मुझे इसी तरह कमेंट करके कुछ भी आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है। और दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।